आज का ये एपिसोड समर्पित है उन बड़े लोगों के नाम जिनकी हर छोटी समस्या एक नई मीटिंग को जन्म देती है। या मिस्टर विशिष्ट हुआ करते थे एमडी, वो कहां गए? उनको तो कंपनी वालों ने निकाल दिया। अच्छा, तो उनकी जगह फिर अब ये मिस्टर गंगाराम। अच्छा अच्छा, गंगाराम जी अंदर है? हाँ अंदर ही अंदर ही। मैं भी। सर ये दो केसेस हैं, एक तो लेबर की डिमांड्स के बारे में और दूसरा सर स्टोर से कुछ मटेरियल चोरी हुआ उसके बारे में। मीटिंग बुला लो, सब कमेटी बिठा लो। मीटिंग बुला लो, सब कमेटी बिठा लो। थैंक यू सर। ये क्या, आपने तो एमडी की जगह तोता रखा हुआ अंदर। भाई अगर हम 10,000 तनख्वाह पर एमडी रखें, फैसला उसने भी यही करना। मीटिंग बुला लो, सब कमेटी बिठा लो। सर एसडीएम साहब मीटिंग में गए हैं। डिप्टी कमिश्नर से मिलाकर देख लें। राइट सर। डीसी ऑफिस साहब बैठे हैं? नहीं, कहां? सर डीसी साहब भी मीटिंग में गए हैं। कमाल है, हर कोई मीटिंग में गया। मुझे लगता है सारा देश मीटिंग कर रहा है। इस तरह हमें तो अपनी मीटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। सर हम तो पिछले 20 दिनों से सभी ऑफिसर्स को रोज कांटेक्ट करते हैं। अब कुछ डेट किसी को सूट नहीं करती तो कोई किसी को। लेकिन हमें ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, महीने में एक मीटिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जरूर होनी चाहिए। हम क्या करें? ठीक है सर, मैं आधे घंटे तक फिर सब नंबर्स ट्राई करती हूँ। अब क्या फायदा, 11 बजे हमने प्लानिंग की मीटिंग रखी हुई है। आप खुशीराम से पता करिए, उन इम्पोर्टेंट फाइलों की लिस्ट तैयार होगी है जिन्हें पिछले महीने चूहे कुतर गए थे। ओके सर। हाँ मिस्टर गुप्ता, साहब ने वो सारी फाइलों की लिस्ट मंगवाई है जिन्हें पिछले महीने चूहे कुतर गए थे। मैं अभी पता करता हूँ। हाँ जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा, साहब ने वो सारे केसेस मीटिंग में डिस्कस करने हैं। ठीक है। खुशीराम जी, साहब ने पूछवाया उन फाइलों की लिस्ट तैयार हो गई जिन्हें पिछले महीने चूहे कुतर गए थे? अभी नहीं हुई जी। लिस्ट अभी तक तैयार नहीं हुई? भाई साहब ने वो लिस्ट अपने साथ लेकर मीटिंग में जाना है। गुप्ता जी बाई गॉड, मेरे पास तो पेन ही नहीं है। मैंने 10 दिन पहले रिक्वेजिशन दी थी ताराचंद को और बाई गॉड 3 रिमाइंडर भी दे चुका हूँ। क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हो खुशीराम जी? आप लिस्ट बनाने के लिए अपना पर्सनल पेन यूज नहीं कर सकते? देखिए गुप्ता जी, बात उसूल की है, जब ऑफिस हमें यूज करने के लिए पेन देता है तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें। भाई ये उसूल की बात आप जाकर साहब को समझाइए, वो आपको बुला रहे हैं। जाइए ना, वो आपकी वेट कर रहे हैं। गुप्ता जी रिलैक्स, जा रहा हूँ मैं। बड़े अफसोस की बात है कि जिन 40 फाइलों को कुतरने में चूहों ने एक दिन लगाया, तुम 10 दिन में उन फाइलों की लिस्ट तैयार नहीं कर सके। तुम्हारे से तो चूहे ज्यादा एफिशिएंट है। सर जी बाई गॉड, चूहों ने फाइलें दांतों से कुतरी हैं और मुझे लिस्ट बनाने के लिए पेन चाहिए था जी। अगर तुम्हारे पास पेन नहीं था तो किसी से मांग लेते। सर जी बाई गॉड, मैंने ताराचंद को 10 दिन पहले रिक्वायरमेंट दी थी जी। मुझे समझ नहीं आता, तुम हर महीने 6-6 पेन इशू करवाते हो और पूरे महीने में एक भी कागज पे साइन नहीं करते, वो पेन जाते कहां हैं? सर हमें क्या पता। रीटा। यस सर। ताराचंद से कहिए कि एक डिटेल लिस्ट बनाए, पिछले 6 महीने में किस किस मुलाजिम ने कितने कितने पेन इश्यू करवाए और मिस यूज ऑफ ऑफिशियल स्टेशनरी पर एक स्पेशल मीटिंग रखवाइए। राइट सर।
यस जी, बैठे हैं जी, बात कीजिए। सर आपकी वाइफ का फोन। हाँ क्या है? तमीज से बात करो, मैं आपकी बीवी बोल रही हूँ। सॉरी, इससे पहले मैं अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहा था। एक मिनट, आप जाइए, मैं बाद में बुलाता हूँ। हाँ चलें आप भी। हाँ वो जरा टोन बदलने में देर लगती है ना। आप अपना पेन निकालिए और एक डेट लिखिए। हाँ बताइए। 7 तारीख को दिल्ली में मेरी मौसी की लड़की की शादी है। अच्छा अच्छा, फिक्स हो गई है? हाँ कार्ड अभी आया है। आप ऐसे करना, 7 तारीख को दिल्ली में अपनी कोई मीटिंग रख लेना। 7 तारीख को? हाँ रखवा लूंगा, नो प्रॉब्लम, रखवा लूंगा। ओके बाय। हाय सुनीता। हाय प्रीति। आज तूने बड़ी देर कर दी। क्या करूं, मेरे बर्तन वाले ने आज बड़ी देर लगा दी। मैं तो सोच रही अपनी बर्तन साफ करने वाली बदल ही दूं। क्यों, क्या वो बर्तन ठीक से नहीं करती? बर्तन तो वो बहुत बढ़िया साफ करती है, लेकिन मोहल्ले की दूसरी औरतों की कोई बात ही नहीं करती, उसके पास कोई खबर ही नहीं होती। दैट आई एम वेरी लकी, मेरी बर्तन वाली तो हर एक घर की खबर रखती है। अच्छा, कितने पैसे लेती है वो? 90 रुपए 40 बर्तनों के और 50 चुगलियों के। फिर तो ठीक है। कल वो बता रही थी, ये तनेजा है ना अपने पड़ोसी, उसका किसी भी वक्त डाइवोर्स हो सकता है। अच्छा, देखने में तो बड़ा शरीफ लगता है। देखने में ही भोला भाला लगता है, वैसे उसका चक्कर है अपनी स्टैनो के साथ। अच्छा, रोज 8-8 बजे दफ्तर से घर आता है और सुबह भी जल्दी चला जाता है। लेकिन जब वो घर देर से आता था तो मिसेस तनेजा ने कभी पूछा नहीं? पूछती थी बेचारी, कह देता ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। मीटिंग्स तो इनकी भी बहुत होती रहती हैं। तू भी ध्यान रखियो, ये मीटिंग्स कई बार बड़ी खतरनाक होती हैं। लेकिन ध्यान क्या, अब मैं दफ्तर थोड़ा ना जा सकती हूँ इनके साथ। ध्यान का मतलब है कि पूछती रहा कर किस चीज की मीटिंग है, किसके साथ है, कहाँ है वगैरह वगैरह। आइडिया हो जाता है कि मीटिंग जेन्युइन है या फ्रॉड। अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं लगा, इतनी देर हो गई। लगा रही हूँ, अभी तो 8 ही बजे, दफ्तर तो आपका 9 बजे लगता है। मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैंने अभी जाके पेपर्स वगैरह तैयार करने हैं। मीटिंग? वैसे आपकी मीटिंग है किस चीज के बारे में? मीटिंग है, दफ्तर की मीटिंग है। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि आपकी पर्सनल मीटिंग है, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि मीटिंग क्यों हो रही है। कमाल है, दफ्तर है भाई, मैं वहाँ का बॉस हूँ, मेरा काम है मीटिंग्स करवाना, मीटिंग्स अटेंड करना। कोई भी अफसर दिन में कितनी मीटिंग्स अटेंड करता है इससे उसके स्टेटस का पता चलता है। वो तो ठीक है, लेकिन मीटिंग की कोई वजह तो होनी चाहिए। वजह है, वजह तो होती ही है। वही तो मैं पूछ रही हूँ। ऐसा है कि दफ्तर में चूहों ने बहुत सी फाइलें कुतर दी हैं, उसके बारे में हमने एक मीटिंग रखी हुई है। चूहों ने फाइलें कुतर दी? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, इसीलिए हमने मीटिंग रखवाई है। ओ गाड़ी आ गई, मैं चलता हूँ। और ब्रेकफास्ट? नहीं नहीं, ब्रेकफास्ट का टाइम ही रहा। ये कार में लड़की कौन है? कौन है? ये तो रीटा है, मेरी सेक्रेटरी, तुम मिली तो हुई है इससे। ये तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में कैसे? वो आज इसके पास कन्वेंस नहीं थी, इसे प्रॉब्लम थी, तो मेरे साथ मैंने कहा चली जाएगी। ओके बाय। हेलो, हाय प्रीति। अच्छा क्या गाड़ी में उनके साथ सेक्रेटरी थी? इसी बात का तो मुझे शक है, इससे पहले कभी उनके साथ नहीं जाती थी। तूने पूछा नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पूछा था, पता नहीं, कह रहे थे कि कुछ फाइलों को चूहे कुतर गए हैं, उसी के बारे में कोई मीटिंग है। फाइलों को चूहे? भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। देख तू ऐसा कर, ऑफिस में फोन कर और पूछ कि ऐसी कोई मीटिंग है या नहीं। मैं दफ्तर फोन करते अच्छी लगूंगी। तू ये कहना ही नहीं कि तू प्रीति बोल रही है, कहना कि एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और चूहों वाले केस के बारे में पता लगाना है। ओके सर, खुशीराम ने अभी तक उन फाइलों की लिस्ट नहीं बनाई जिन्हें चूहे कुतर गए थे। बड़ा लापरवाह आदमी है, मैं अभी उसे सस्पेंड करता हूँ। अब बैठे डिक्टेशन ले। हाँ ठीक है, आप लिखें, डियर खुशीराम। डियर सर, डियर खुशीराम।
हाँ, मेरे ख्याल डियर नहीं होना चाहिए, आखिर हम उसे सस्पेंड कर रहे हैं। तो आप लिखें, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर हेयर बाय सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। सर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू की जगह वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू नहीं होना चाहिए। यू आर राइट, तुम्हें सस्पेंशन लेटर्स टाइप करने का काफी तजुर्बा है। जी सर, यहाँ आने से पहले मैं 6 दफ्तरों से सस्पेंड हो चुकी हूँ। दैट्स गुड, फिर तो तुम्हारे पास कोई ना कोई पुराना सस्पेंशन लेटर भी पड़ा होगा। कोई ना कोई क्यों सर, मेरे पास तो सारे पड़े हैं। ठीक है, फिर आप उन्हें देख के टाइप कर लें, मैं साइन कर दूंगा। राइट सर। और सुने जी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कमाल है सर, मैं ये थोड़े ना किसी को बताऊंगी कि आपको सस्पेंशन लेटर भी डिक्टेट नहीं करवाना आता। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चूहों वाले इंसिडेंट का बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। वरना अखबार में छप गया तो फजूल बदनामी होगी। हाँ सर, अखबार वाले तो फिर खबर को और भी नमक मिर्च लगाकर छापते हैं। बल्कि किसी अखबार वाले का फोन आए तो कह देना कि मैं छुट्टी पर हूँ। ठीक है सर। जियालाल, जियालाल। हाँ जी मैडम। देखो, मैं जरा अपने बाल ठीक करवाने जा रही हूँ। हाँ, तब तक तुम यही बाहर बैठे रहना और फोन का ख्याल रखना। जी। अगर किसी प्रेस रिपोर्टर का फोन हो तो कह देना साहब छुट्टी पर है। ओके जी। और हाँ, वो चूहों वाली बात भी किसी को नहीं बतानी है। मैडम आप कह रही हैं तो नहीं बताऊंगा, वरना ऐसी बातें पहचानी जरा मुश्किल होती है। यू कैन ट्राई। हेलो, इज इट 38347? हाँ जी बोलिए। देखिए, मैं एक प्रेस रिपोर्टर बोल रही हूँ। प्रेस रिपोर्टर? हाँ जी बोलिए। मुझे पता चला है कि आपके दफ्तर की कुछ इम्पोर्टेंट फाइलें चूहे कुतर गए हैं। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे दफ्तर में तो फाइलों का खास ख्याल रखा जाता है। ये वही दफ्तर है ना जहाँ मिस्टर भट्टी MD है? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनकी आज चूहों के बारे में कोई मीटिंग नहीं थी? जी चूहों के बारे में मीटिंग, मेरा ख्याल है आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। आप कौन है? जी मैं PN जियालाल। और MD साहब कहाँ है? जी वो तो छुट्टी पे गए हैं। और मिस रीटा कहाँ है? जी वो भी कहीं बाहर गई हैं। अच्छा, तो सुबह मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे धोखा दे रहे थे, मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। सर हमें पता चला है कि आपकी बीवी घर छोड़कर चली गई। सर ये सच है? हाँ, नाराज होकर कुछ दिनों के लिए मायके गई है। सर फिर तो आज पार्टी हो जाए, क्योंकि अपने दफ्तर की तो परंपरा है ना सर कि जिसकी बीवी उठकर मायके जाए वो ट्रीट जरूर देता है। ट्रीट भी दे देते हैं भाई, ट्रीट की क्या बात है। हाँ जी अंकल। वो रिश्तेदार, मैं तुम्हारा घर पे हूँ, ये दफ्तर है। हाँ जी साहब। ऐसे करो कि 3-4 कप चाय लेके आओ जी, और साथ में कचौरी और समोसे वगैरह भी देख लेना। जी सर। और सुनो जियालाल भाई, गुलाब जामुन वगैरह भी लेते आना। अरे साहब की भी बहुत दिनों के बाद मायके गई है ना। जी सर मैं अभी लाया। देखो भाई, हमारा काम है अपने देश के लिए, दफ्तर के लिए, अपने काम के लिए हमेशा मीटिंगें करते रहना, और इस दौरान अगर हमारे बीवी बच्चे भी हमें छोड़ के चले जाएं, हमें घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। और आपको याद होगा कि आज की मीटिंग हमने इसलिए बुलाई है कि उन फाइलों का क्या करना है जिन्हें पिछले महीने चूहे कुतर गए थे। सर एक्चुअली सारी गलती खुशीराम की थी, वो सब VIP केसेस थे और खुशीराम ने वो फाइल्स आम फाइल्स में रख दी, और आम फाइल्स में तो आपको मालूम है सर चूहे आम घूमते हैं। एक तो अपने देश के चूहे बड़े अनएजुकेटेड हैं, VIPs की फाइलों को पहचानते ही नहीं। सर हमें इन चूहों का भी कोई ना कोई परमानेंट इलाज करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि मिस्टर जैन की और आपकी एक सब कमेटी बना देते हैं। आप मार्केट स्टडी करिए कि वहाँ चूहे पकड़ने के कौन कौन से यंत्र उपलब्ध हैं, और एक महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट दें। सर ये चूहों के पिंजरे खरीदने भी हैं? नहीं, उसके लिए हम एक अलग सब कमेटी बनाएंगे। आप चाहे 100 कमेटियां बनाएं, चाहे 200 सब कमेटियां, मुझे क्या? मुझे तो ये पता कि 6 महीने हो गए मुझे स्टील का कोटा अप्लाई किए हुए। चौधरी साहब आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैंने तो आपका केस भेजा था ऊपर, साहब ने लिख दिया कि पहले उन फाइलों का निपटारा किया जाए जिन्हें चूहे कुतर गए हैं। हाँ तो ठीक है, आप मेरी फाइल मुझे वापस कर दें, मैं भी अपनी फाइल चूहों से कुतरवा के ले आता हूँ। आप साहब से बात कर लें, हो सकता है ऐसे ही मान जाए। अरे आप मुझे मेरी फाइल देंगे तभी तो बात करूंगा ना। फाइल तो फिर आपकी ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ रखी गई है। रखी तो आप ही ने ना। चौधरी साहब 3 कमरे भरे पड़े हैं पेंडिंग फाइल से, अब पता नहीं कहाँ मिक्सअप हो गई होगी। कुछ भी हो बेटी, तुझे छोटी छोटी बातों पे घर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्यों,
बेटी बार बार घर छोड़ने से घर छोड़ने की वैल्यू खत्म हो जाती है। मामा उन्होंने जानबूझ के मेरे से झूठ बोला। मेरे सामने उस रीटा के साथ बैठ के कार में गए और उस दिन उनकी कोई मीटिंग भी नहीं थी। अरे बेटी ये उनके तरीके होते हैं जानबूझ के चिढ़ाने के, तुम्हें ऐसी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन मामा शक तो हो ही जाता है ना। अच्छा अच्छा घबरा नहीं, मैं दफ्तर से सारी बात का पता निकलवा लूंगी कि वहाँ कोई मीटिंग होती भी है या नहीं। सर मैं जितनी बार आपसे मिलने आया हूँ आपकी कोने को मीटिंग चल रही होती है, और आज अगर आप मिल गए हैं तो फाइल नहीं मिल रही। सर क्या करें भाई, अंदर फाइलों के ढेर लगे हुए हैं, एक फाइल को हिलाएं तो सारी फाइलें गिरने का खतरा। लेकिन हम क्या करें सर, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, मशीनरी लगा रखी है, हैवी इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, और यहाँ स्टील का कोटा अलॉट ही नहीं हो रहा। भाई भेजा तो है जिया लाल को, शायद ढूंढ लाए फाइल। आप तब तक प्रार्थना करिए, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है मिस्टर चौधरी, भगवान ने चाहा तो आपकी फाइल जरूर मिलेगी। सर सर सर, 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 सर जिया लाल फाइलें ढूंढ रहा था तो सारी फाइलें उसके सर पर आन पड़ी सर, और वो बेहोश हो गया सर। माय गॉड, आप एम्बुलेंस के लिए फोन करें, उसे हॉस्पिटल लेके चले, मैं आ रहा हूँ अभी। जी सर। मिस्टर चौधरी देखा आपने, ये सब आपकी वजह से हुआ है, ना आप फाइल निकलवाने की जल्दी करते ना ये एक्सीडेंट होता। भट्टी साहब ने अभी मेरे हाथ नहीं देखे, चेयरमैन को ऐसी शिकायत लगाऊंगा कि पता चल जाएगा फाइलें कैसे ढूंढी जाती है। चेयरमैन साहब एक मिनट प्लीज। सर चेयरमैन साहब का फोन, बात कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर सर नो सर, सर सर आपको किसने भड़काया सर? सर मेरी यस नो, सर अपनी बात तो सुने सर। क्या बात सुनूं मैं आपकी, हजारों शिकायतें आ रही हैं कि नो सर चूहे फाइलें कुतर गए हैं, एक आदमी फाइल के नीचे दब गया हैगा, किसी को आपने सस्पेंड कर दिया है, ये हो क्या रहा है आपके ऑफिस में? सर आप घबराए ना, हम आज ही इमरजेंसी मीटिंग कॉल करते हैं। हर महीने आप लोग सैकड़ों मीटिंग करते हैं, रिजल्ट किसी का नहीं निकलता हैगा? रिजल्ट तो निकलता ही सर। शट अप, मैं परसों आ रहा हूँ ऑफिस इंक्वायरी करने के लिए कि आप लोगों की मीटिंग्स का रिजल्ट क्यों नहीं निकलता हैगा। आप सारे केसेस मेरे सामने पुट अप करेंगे। हाँ मैंने दफ्तर से सब पता करवा लिया है, और वो चूहों वाली बात भी सच्ची है। हाँ जसपाल की किसी ने शिकायत की है कि वो दफ्तर सारा दिन मीटिंग करता रहता है, चेयरमैन साहब खुद इसकी इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं। पर मामा मुझे गलती कैसे लगी? अरे बेटी यकीन ना हो तो खुद किसी दिन दफ्तर जाकर देख लेना कि वो कितना बिजी आदमी है। आज की मीटिंग हमने सिर्फ इसलिए रखवाई है कि परसों जो चेयरमैन के साथ मीटिंग है उसकी तैयारी कैसे करनी है और किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है। सर चेयरमैन साहब परसों कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? परसों नहीं भी, वो कल रात 8:30 बजे आ रहे हैं। आपने रात के डिनर का और सुबह के ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट करना है। ठीक है सर। और सर वो जो कल मीटिंग के लिए चाय आएगी वो यहीं ऑफिस में बनवानी है या बाहर से मंगवानी है? गुड क्वेश्चन। ऐसा करेंगे कि चाय तो हम यहीं बनवा लेंगे, समोसे और गुलाब जामुन बाहर से मंगवा लेंगे। अब मैं आपको जरा सिटिंग प्लान समझा दूं। यहां सेंटर में बैठेंगे चेयरमैन साहब, यहां मिस्टर जैन और उनके साथ मिस्टर आहूजा, यहां गौतम जी होंगे उनके साथ मैं। ये जो चार आपको रेड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं यहां हम रखेंगे गुलाब जामुन, और ये जो चार ब्लू पॉइंट्स हैं यहां समोसे, इन बिटवीन चाय रखी जा सकती है। इज एवरीथिंग क्लियर? यस। लेकिन सर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? एजेंडा तो कल भी देख लेंगे, लेकिन माइंड इट समोसे कच्चे नहीं होने चाहिए। मिस्टर गुप्ता आप मेरे साथ आइए, हम देख लें कि दफ्तर में कौन कौन सी फाइलें फालतू पड़ी हुई हैं, कहीं चेयरमैन साहब फाइलें देखने ना आ जाए। ठीक है चलिए। मुझे समझ नहीं आती कि आपने इतनी पुरानी फाइलें रखी क्यों हुई। सर फॉर रिकॉर्ड सेक। मिस्टर गुप्ता आपने पिछले 10 साल से एक भी फाइल को खोल के देखा है? सर मुझे अभी 9 साल ही हुए हैं। खैर आप इन सब फाइलों की एक लिस्ट तैयार करें, और जिस रिकॉर्ड की पिछले 10 साल से कोई जरूरत नहीं पड़ी उसे आप डिस्ट्रॉय कर दें, जला दें। राइट सर। लेकिन अगर चेयरमैन साहब ने कोई पुराना रिकॉर्ड मंगवा लिया तो? हाँ ये तो है। खैर आप ये रिकॉर्ड जला दें, लेकिन फॉर रिकॉर्ड से हर रिकॉर्ड की 3-3 कॉपियां रख लें, और परसों जब चेयरमैन साहब आए तो पूरा ध्यान रखना। सर सर चेयरमैन साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बैठिए सर। सॉरी मैं लेट हो गया है। पिछले हफ्ते मेरी दाईं टांग का मसल पुल हो गया था, आज सुबह सुबह उसमें दर्द शुरू हो गया। सर मसल दर्द के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया देसी दवा है सर,
सर अगर उसकी पेस्ट बनाकर एक बार आप उसे मल लें, आपको इतना रिलीफ मिलेगा, इतना रिलीफ मिलेगा, आपका दिल करेगा कि आपकी दूसरी टांग में दर्द हो और आप दवा लगाएं। सर आपने कभी तेल में हल्दी गर्म करके ट्राई की है? एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ को एक बार ऐसी ही प्रॉब्लम हो गई थी सर। और सर यहाँ रेलवे कॉलोनी में प्रेम सिंह नाम का आदमी मालिश बहुत बढ़िया करता है सर, वो कोई नस दबाता है, एक बार तो चीखें निकल जाती हैं, लेकिन आराम आ जाता है। मिस्टर गुप्ता आप मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? यस सर। ठीक है। मैडम मेरा सस्पेंशन का केस इस बार एजेंडे में है ना? है तो भाई, लेकिन देखो क्या डिसीजन होता है। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मेरी वो परमिट वाली फाइल आपने अंदर दे दी थी ना? वो तो सुबह ही अंदर भिजवा दी थी। थैंक यू मैडम, अब देखता हूँ मुझे परमिट कैसे नहीं देते हैं। हेलो मिसेस भट्टी। मिस्टर भट्टी कहाँ हैं? ये तो मीटिंग में बैठे हैं। आपको यकीन है मिस्टर भट्टी मीटिंग में खुद बैठे? उन्हीं के साथ तो हमारे चेयरमैन साहब की मीटिंग है। लो खुद ही देख लो, ये मीटिंग ही तो है। और तू क्या सोच रही है, ये पिकनिक मना रहे हैं? चल घर चल, पगली कर। चलो आप लोग चाय पियेंगे? नो थैंक्स, हम चलते हैं। ओके बाय, सी यू। हे भगवान मुझे माफ करना, मैंने सुनीता की बातों में आकर एक ऐसे देवता समान आदमी पर शक किया जो देश की उन्नति के लिए सारा दिन सिवा मीटिंग्स के कुछ नहीं करता। सॉरी सर, सर ये खास किस्म का पिंजरा है सर। सर इस पिंजरे से हम एट ए टाइम 100-100 ग्राम के 3 चूहे पकड़ सकते हैं सर, 3। तो फिर आपने ये स्कीम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किएगी? सर हमारी जो सब कमेटी थी उसे शक पड़ गया कहीं ये पिंजरे मिसयूज ना हो जाए। क्या मतलब? सर उनका मतलब ये था कि कहीं स्टाफ मेंबर्स पिंजरे घर ना ले जाएं अपने पर्सनल चूहे पकड़ने के लिए। तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या आएगा? सर हम बिल्ली रख सकते हैं, बिल्ली मिसयूज नहीं हो सकती। हाँ, स्कीम तो बोरे नहीं आ गए। मिस्टर गुप्ता आप मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? यस सर। गुड। एक्सक्यूज मैडम। यस मैडम, ये मीटिंग और कितनी देर चलेगी? खत्म ही होने वाली है बस, आपको क्या काम है? मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, मीटिंग्स के बारे में पता करना था कि क्या डिसीजन हो रहे हैं। ओह वेल ओके, लगता है मीटिंग ही खत्म हो गई। एक्सक्यूज मी सर, सर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ? आज तो कमाल हो गया, यूनैनिमसली एक डिसीजन हुआ है, डेट फिक्स हो गई है। किस चीज की सर? नेक्स्ट मीटिंग की। वो मीटिंग कभी तो आएगी, वो मीटिंग कभी तो आएगी। जब बेमतलब के मसलों को मीटिंग में न धकेला जाएगा, जब छोटी सी एक मीटिंग को लंबा ना खींचा जाएगा, जब सब मिल फैसला ले लेंगे, कोई फाइल ना पेंडिंग रह जाएगी, वो मीटिंग कभी तो आएगी, वो मीटिंग कभी।